अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो टॉपिक है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे पहले आप नीड को आइडेंटिफाई करते हो, उसके बाद जाके आप चीज़ को प्रोड्यूस करते हो। वंस यू हैव डिसाइडेड योर टारगेट मार्केट, देन यू गो फॉर मार्केट ऑफरिंग टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोडक्ट्स। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या हो रहा था, आप बेच रहे थे, आप ये नहीं देख रहे थे कि आपके टारगेट मार्केट की नीड क्या है। आपने सिर्फ प्रोड्यूस करना है और जाके सेल करना है अच्छे प्रमोशंस के थ्रू। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फर्स्ट यू हैव टू सेट योर टारगेट मार्केट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट, देन टू प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। फर्स्ट करें, आपके कस्टमर्स कहते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो इस कलर में चाहिए, मुझे रेड में चाहिए, मुझे येलो में चाहिए। आपने पहले आइडेंटिफाई करना होता है, उसके बाद आप प्रोड्यूस करते हो। प्रोड्यूस करने के बाद आप जो है उसको मार्केट करते हो, उस सर्टेन टारगेट मार्केट को ऑफर करते हो। तो ये फ़र्क है सेलिंग कॉन्सेप्ट में और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपके जो सेठ हैं, आपके जो ओनर हैं, वो आपसे कहते हैं कि आप ये आपने जाके बेचना है मार्केट में, ठीक है। यू आर गिविन सर्टेन टारगेट्स टू अचीव विद इन अ मंथ, सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसमें जो है आपने जो है सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है नीड को, उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है और मार्केट में ऑफर करना होता है। क्योंकि जब आप टारगेट मार्केट सेट करते हैं तो आप उसको कैटेगराइज करते हो, ठीक है। हर चीज़ आप देखी जाती है, सोशो इकोनॉमिक क्लास देखी जाती है, एज, जेंडर, इनकम, ठीक है, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं टारगेट मार्केट में। जब आपने आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद आपने जाके वो प्रोड्यूस करनी होती है। एक अच्छी कंपनी जो कि अच्छा प्रोड्यूस कर सकती है, अच्छा डिलीवर कर सकती है मार्केट में, वो भी यही कोशिश करेगी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कि पहले आइडेंटिफाई करें नीड को, अपना पहले टारगेट मार्केट को सेट करें, उसके अंदर सोशो इकोनॉमिक क्लास देखें, लोगों का इनकम लेवल, लोगों का टेस्ट, एज, जेंडर, ठीक है, कौन किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, उनके परचेसिंग पावर क्या है, आइदर दे आर विलिंग टू बाय द प्रोडक्ट्स आर नॉट, ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद जो है वो चीज़ प्रोड्यूस करती है, जो कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में नहीं हो रहा था, ठीक है। वहाँ पे यू आर गिवन सर्टेन टारगेट्स टू अचीव, सेल्स फोर्स मैदान में होती है, मार्केट में होती है, वो जाके कन्विंस करती है। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जितनी भी MNCs हैं, FMCGs कंपनीज हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है नीड को, उसके बाद चीज़ें प्रोड्यूस करती है। अगर हम कंट्रास्ट करें बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, तो इट वुड बी लाइक सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इस तरह हो रहा था कि आप फैक्ट्री में चीज़ बनी, आपके पास आई कंपनी में, आपके शॉप पे, आपके वेयर हाउस में, ठीक है, आपके डिस्प्ले स्टोर्स पे, तो वहाँ पे आपने जाके सेल करना था मार्केट में। तो यू आर ट्राइंग टू क्रिएट यू नो प्रॉफिट्स थ्रू यू नो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आप चीज़ बेचो। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया था, आपने जस्ट फैक्ट्री से चीज़ बन के आ गई अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी से, कंपनी की मर्जी से, ठीक है। आपने कोई पहले अंडरस्टैंड नहीं किया था नीड को कि मार्केट में मेरी जो टारगेट मार्केट है उस मार्केट है उसको कौन सा कलर चाहिए, कौन सी साइज चाहिए। और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इस तरह होता है कि सबसे पहले आप सेट करते हो अपनी टारगेट मार्केट, उसके बाद आप देखते हो कि जिस टारगेट मार्केट के लिए आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उनका इनकम लेवल क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका जो है स्टेटस क्या है, उनका टेस्ट क्या है, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक क्लास उसके अंदर आ जाती है सारी, वो आप एनालाइज करते हो, उसके बाद चीज़ को प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। प्रोड्यूस करने के बाद आप उसको मार्केट करते हो और उसके बाद आप इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की तरफ जाते हो। जब हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात करते हैं तो होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर ये इसका जो है हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके चार मेन एलिमेंट्स होते हैं होलिस्टिक मार्केटिंग के, जिसके अंदर इंटरनल मार्केटिंग होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होती है, रिलेशनशिप मार्केटिंग होती है और परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है, जिसको थारोली जाके आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि जब आपने टारगेट मार्केट को सेट कर लिया, आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप प्रोड्यूस कर ली चीज़ को, अब आपने उसको जाके मार्केट करना है, तो आपने इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करनी है। आपने सेट करनी है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, आपने अपना मैसेज सेट करना है, आप किस तरह मार्केट करोगे, कौन से चैनल्स यूज़ करोगे, तो वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर आते हैं। और उसके बाद मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपने बेसिकली जो प्रॉफिट्स गेन करने होते हैं वो कस्टमर रिलेशनशिप्स बिल्ड करके आपने क्रिएट करने होते हैं। आपके जितने अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे अपने कस्टमर्स के साथ, आप कस्टमर्स को रिटेन करोगे, उतना अच्छा आप प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो। क्योंकि एक कस्टमर वो बार बार आपके पास रिपीट कस्टमर होगा आपके लिए,
इट वुड बी लॉयल कस्टमर्स टू योर कंपनी, इस तरह आपके प्रॉफिट्स गेन होंगे। तो दिस द कंट्रास्ट, दिस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट आता है, जब हम हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग की बात करते हैं, जब हम फाइव इरास की बात करते हैं, तो वो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट या सोसाइटल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर एक तीसरा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ योर सोसाइटी। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, उन्होंने नीड को आइडेंटिफाई किया, प्रोडक्ट प्रोड्यूस की, मार्केट में डिलीवर की, कंपनी भी खुश, कस्टमर भी खुश। लेकिन जो तीसरा फैक्टर है, इट इज़ सोसाइटी, वो नाखुश है। तो आपने इस तरह की मार्केटिंग करनी है कि जो सोसाइटी है वो भी खुश हो जाए। लाइक मैं आपको एक मिसाल दूँ, सिगरेट्स के इश्तहार चलते थे पहले, ठीक है, मीडिया पे, ठीक है, अच्छे सिगरेट्स बनते थे जो कि नीड को अंडरस्टैंड करके कंपनीज बनाती थी, इलीट क्लास के लिए अलग और जो मिडिल क्लास है अलग, ठीक है। सिगरेट प्रोड्यूस हुआ, मार्केट में पहुंचा, कंज्यूमर ने यूज़ किया, वो भी खुश, कंपनी भी खुश, लेकिन सोसाइटी को नुकसान हो रहा था। बकौल सोसाइटी का जो नैरेटिव था वो ये था कि बच्चे जो है मॉरली वो बिगड़ रहे हैं, वो सिगरेट नोशी कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि ऐसी कंपनीज जो कि सिगरेट बना रही थी, तो वो जब ब्रॉडकास्ट मैसेज हो रहा था मीडिया पे, तो एक नीचे से एक लाइन आ रही होती है, एक ट्रिगर आ रहा होता है कि लाइक जो है सिगरेट नोशी सेहत के लिए ममनू है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, इस तरह के मैसेज आना शुरू हो गए। इससे ये हुआ कि जो कंज्यूमर हैं वो तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी सोसाइटी, रेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो कि सिगरेट नोशी नहीं करती, वो बच्चे नहीं करते, उनके लिए एक मैसेज आ रहा होता था कि ये आपके लिए नुकसानदेह है। लाइक मेडिसिन के अंदर आता है कि बच्चों की पोह से दूर रखें, ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। या पेस्टिसाइड्स कंपनीज भी जब ब्रॉडकास्ट मीडिया पे जाती हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रही होती हैं, ATL हो, BTL हो, तो वहाँ इस तरह का टेग लाइन, कोई मैसेज, वो भी कनेक्ट करती है फॉर थर्ड एलिमेंट, फॉर रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि वो जो है बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें और जो जिनके लिए रिलेवेंट नहीं है वो इसे दूर रहें। तो इट इज़ कॉल्ड सोसाइटल मार्केटिंग, कि आपकी जो चीज़ है वो सेल भी हो रही है, आपको कंपनी को प्रॉफिट भी मिल रही है, और जो कंज्यूमर है वो अपनी नीड को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है उसके लिए भी एक मैसेज जा रहा है कि जो जिससे रिलेवेंट है वो यूज़ करें, जो ना है उसके लिए इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। जब हम ग्रीन एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम काफ़ी सारे हम मैसेजेस देखते हैं कि उन एरियाज़ में जहाँ ये नुकसान हो रहा है, एंग्रो का की मिसाल ले लें, एंग्रो प्रोडक्शन या जो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन हो रही होती है, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाता है माहौल को, तो वहाँ पे वो कंपनीज़ CSR के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, कि वो जो है उस एरिया के लिए काम कर रही होती हैं, स्कूल्स के अंदर, हेल्थ के अंदर, ग्रीन रीज के अंदर दरख्त वगैरह लगाते हैं वो लोग। तो इट्स यू नो इट्स अ पॉजिटिव मैसेज टू द सोसाइटी, टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, कि अगर कोई थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा है समवेयर, इसी तरह वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ सोसाइटल मार्केटिंग। तो फ्रेंड्स, आज हमने 5 जो इराज थे, 5 जो अदवार थे मार्केटिंग के, हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग, वो आज हमने कंप्लीट कर लिए, और इन नेक्स्ट वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक सम अदर वीडियोस फॉर यू रिगार्डिंग मार्केटिंग एंड सेल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।